हरियाणा में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है, रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ऐसे में तमाम वो लोग जो अब तक कोरोना से अछूते थे अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी रही है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से लेकर देश के गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को अपनी चपेट में लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में काम का जिम्मा संभाला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। हालांकि इससे पहले दुष्यंत चौटाला के कुक से लेकर ऑफिस तक पर कोरोना का असर देखने को मिला था। ऐसे में अब तक डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भाग्यशाली रहे कि वो इस बीमारी की जद में नहीं आए थे। लेकिन इसी बीच दुष्यंत चौटाला का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई लक्षण COVID-19 के बुखार वगैरह कोई है नहीं, मगर क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूँ। और जो जो साथी पिछले एक सप्ताह से मुझसे मिले हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो भी अपना टेस्ट कराने का काम करें। कोरोना की पुष्टि होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने खुद को होम आइसोलेट किया। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसीस कौर ने जानकारी दी कि दुष्यंत चौटाला में कोई भी कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दिए, बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएम का भी टेस्ट आज किया गया था तो वो भी पॉजिटिव आया होम आइसोलेशन। इससे पहले कैबिनेट में तमाम ऐसे मंत्री रहे जो कोरोना की जद में आ चुके हैं। कई विधायक भी ऐसे रहे जो खुद को इस बीमारी की चपेट में आने से नहीं बचा पाए। खैर, उम्मीद यही है कि दुष्यंत चौटाला जल्द इस बीमारी को मात देकर पहले की तरह अपने कामकाज को संभालते नजर आएं। अनिल मोर के साथ विनय चौधरी, खबरें अभी तक।